वेलकम बैक वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है में अरशद वारसी साहब, मास्टर शेफ, बिरयानी स्पेशलिस्ट अरशद वारसी साहब से बातें हो रही है। अच्छा अरशद, आप मतलब हर जगह जाते थे, थोड़ा डांस करते थे, थोड़ा कोरियोग्राफी करते थे, आपने किसको बिरयानी खिलाई कि आपको फिल्मों में भी काम मिला? जॉय अगस्टिन को। जॉय अगस्टिन को मेरे एक दोस्त ने जॉय को कहा कि लाइक हम लोग दोनों एक जैसे दिखते हैं। खैर वो आए वहाँ पे और उन्होंने मुझे देखा किस तरह मैं सबको एंटरटेन कर रहा हूँ। वो सब हादसे के बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन फ़ोन किया और कहा कि वो ABCL के लिए फ़िल्म बना रहे हैं और तुम काम करोगे। तो पहले मेरे मुँह से निकल गया कि रात की उतरी नहीं क्या तो फिर मुझे पता चला कि वो शराब ही नहीं पीते। मैं बड़ा करना भी चाहता था और डर भी बहुत रहा था, बहुत सारी थी, लेकिन फिर फाइनली होता ना जो कुदरत को मंजूर है वही होता है, तो फाइनली हो गया। लेट्स हैव मिस्टर जॉय। ओके, एक और आदमी जो मुझे झेल चुका है ओह जलील जलील अल जलील ओ जीबाजी पे आइए हमेशा आप यहाँ जाए। जब पहली बार आप अरशद ग्रेट वारसी से बिरयानी मेकर, तो व्हाट वाज योर इंप्रेशन कि ये आदमी किस किस्म का बच्चा है? एक्चुअली मैं बिरयानी खाने गया और बकरा मिल गया। नो, आई थॉट ही वाज फैंटास्टिक। ही वाज सो स्पॉन्टेनियस एंड ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ एंड आई सेड दिस इज माय कैरेक्टर। We took him to bandstand and shot photographs with him, you know. उन तस्वीरों का क्या किया? भेज दिया जय जी को। तो उन्होंने कहा यार बेचारे कितने मेहनती लोग हैं। जॉय को पूरी उम्मीद थी कि आई विल बी सिलेक्टेड और मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? क्योंकि एक होता है ना दिमाग में, एक होता है कि हीरो जो होता है, जो फिल्म में जो काम करते हैं वो एक ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं, फिर पता चला कि ऐसे वैसे होते हैं पता नहीं कैसे कैसे होते हैं, यहाँ देखते हैं कैसे होते हैं। अरशद, आपने जो मुन्ना भाई में काम किया उससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानती थी कि आप हमेशा तरक्की करेंगे, मुझे यकीन था कि आप ज़रूर आपको मौका मिलेगा और आप ज़रूर अपना काम करके दिखाएंगे। गॉड ब्लेस यू, लव यू and wish you tons and tons of success. जब इन्होंने काम करना शुरू किया तो was he like very camera friendly, very relaxed, very easy? I think the first take was 21 takes, you know, and I was shocked. He's wonderful to work with. अमित साहब, आपने इनका परिचय करवाया था ना? जी, परिचय मैंने नहीं करवाया था, परिचय इन्होंने खुद ने तराश लिया इसको। एंड आई वाज एक्चुअली जेलस बिकॉज ही वाज कास्टिंग एट दैट टाइम फॉर बालू द कैरेक्टर एंड 3 nights इन अ रो वी वेंट देयर। और तीसरी रात को करीब 3 बजे रात को हम नीचे उतरे। जॉय मुझे कहता है अरशद फॉर बालू एंड आई वाज सो जेलस कि मेरा दोस्त है, मैंने कैसे नहीं सोचा ये। आपने तो कहा इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। एक और शख्सियत है जिससे पूछना पड़ेगा कि भाई वाज इट अ प्लेजर वर्किंग विद यू। आइए प्लीज, आइए। हाय, हाउ आर यू माय गॉड, हाउ आर यू। बड़ी शरीफ है। हाउ आर यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द अरशद वारसी? ही वाज द लास्ट राइट ऑन द सेट्स एंड ऑफ द सेट्स। और हम लोग 3 नए थे इकट्ठे फिल्म के अंदर, तो हम अपने आप को 3 मस्कीटियर्स कहते थे, सो टू स्पीक। आपको मालूम है एक सीन है हमने किया था जिसमें सडनली डिसाइड हुआ था वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं और ये आके बाय कहते हैं मदर को। सो ही सेज नाउ आई गेट अ चांस टू किस द गर्ल। सो ही सेज हटो अपा एंड ही गिव्स मी अ किस बिफोर गोइंग। यू नो यू हैव टू गिव अ सीरियस एक्सप्रेशन व्हाइल ही गेट्स ही डज दैट एंड इट वाज रियली हिलेरियस बिकॉज़ ऐसे छोटी-छोटी चीजें इतनी हुई जो इनकी जिंदगी की एक मेजर मुराद जो है उस सीन में पूरी हुई। धक्का मार के घुस गया। एक और जगह आपने जगह बनाई थी, हम जरा देखें उसके बारे में, वो बात करते हैं साहब। ओए वारसी, as far as work goes I think I you know thank you very much for trusting me during the making of the film. You did trust me a hell of a lot. I don't know if I lived up to that or not, but at least we made a movie and we got it out, and I liked everything about it. I have very good memories actually right from the start. from the point where I had kind of reluctantly come in to meet you and within 5 minutes stopped the story to say, "Kito kar le." And I think it's been good knowing you. Apology, I'm saying sorry because I wish I was there with you right now, man. The fair shine on.